लाल कुएं के आसपास बना आच्छादन क्षेत्र होने के कारण भीषण गर्मी के चलते आग लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन वनों में आग लगने की घटना हो जाना आम बात हो गई है। इस मामले पर डंडा रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अजय लिंगवाल ने बताया कि इस समय मौसम में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करते हुए डंडा रेंज क्षेत्र में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बीते दिवस आग के रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल भी किया गया है, साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वही कर्मचारियों को आग की घटनाएं होने पर फायर सेफ्टी किट का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कर्मचारी सुरक्षित होकर आग की घटनाओं पर अंकुश लगा सके। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के कारण आग की घटनाएं बढ़ जाती है, जिस आपदा से वन विभाग लड़ने को कमर कसकर तैयार है। जैसे ये सीजन प्रोग्रेस कर रहा है, हम देख रहे हैं कि इस साल कुछ विगत वर्षों की तुलना में अधिक जो है हमें जो है इस तरीके के इंसिडेंट्स देखने में आ रहे हैं, ना केवल तांडा रेंज में बल्कि पूरे राज्य भर में। एक फायर को लेके, फॉरेस्ट फायर को लेके हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है अभी, तो तमाम कर्मचारियों को भी हाई अलर्ट की स्थिति में रखा गया है। किसी की भी अभी जो है छोटे मोटे जरूरतों के लिए कोई भी वन विभाग के जो है अभी कर्मचारी की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, और साथ ही साथ जो ये इंश्योर किया जा रहा है कि राउंड द क्लॉक जो है 2400 घंटे हम जो है अपने संवेदनशील क्षेत्रों में एक नजर बना के रखें। एक जहां पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि एक बड़ी आग भड़क सकती है, उसको हम काउंटर फायर करके या फिर जो है कंट्रोल फायर करके और एक फायर ड्रिल के माध्यम से जो है उसको कंट्रोल करने की प्रयास करते हैं। इंसिडेंट हमें लगता है कि बड़ा बन सकता है, तो उसके लिए फायर लाइन्स काटी जाती हैं, फायर लाइन मेंटेन की जाती हैं। तो ये कुछ एक जो है कोशिश या प्रयास है इस वनाग्नि काल को जो है कंट्रोल करने का। फायर वॉचर्स को स्पेशली जो है वनाग्नि रोधक सूट दिया गया है, बूट्स दिए गए हैं, और सुरक्षा, पूरी सुरक्षा का उनका ख्याल रखा जा रहा है, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि इस वनाग्नि को बुझाने के प्रयास में हमारा कोई भी जो कर्मचारी हताहत हो। तो पूरा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और सुसज्जित किया जा रहा है उनको तमाम फायर टूल से, चाहे फायर रेक हो, फायर बीटर्स हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो, ताकि जो है समय रहते और एफिशिएंटली बिल्कुल जो है वो अपने काम को अंजाम दे और समय रहते वनाग्नि किसी भी घटना पर काबू पाया जा सके। ग्राउंड फायर रही यूकलिप्टस प्लॉट में, और इसी वनाग्नि इंसिडेंट के दौरान दूसरी सूचना प्राप्त हुई खसी बोझ खत्ते में रेलवे ट्रैक के समीप आग लगी है मिश्रित वन में। उसमें भी मौके पे जो है चारों टीम्स जो है पहुंची और मौके से जो है वेटनरी लाइफ स्टॉक पशुपालन डिपार्टमेंट ने दो बकरियां और जो हमारे जो है कुछ पशु थे उनको जो है मौके से रेस्क्यू किया। मौके से मेडिकल टीम ने जो है एक एक जो है हताहत उनको रेस्क्यू किया। SDRF की टीम ने जो है एक हताहत को रेस्क्यू किया है, मामूली बर्न इंजरीज पाई गई और जो है उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। तो इसी के साथ जो है हमारी मॉक ड्रिल जो है दोनों ऑनलाइन भारत के लिए उमेश सिंह राणा की रिपोर्ट।